दोस्तों किंग नागार्जुना सर की मूवी द घोस्ट रिलीज के आज पूरे 3 दिन कंप्लीट हुई है और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे द घोस्ट मूवी के 3 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपसे उम्मीद है वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों मूवी द घोस्ट, इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 30 करोड़ रुपए और इस मूवी के वर्ल्ड वाइडली थिएटरिकल राइट्स बिके थे पूरे 21 करोड़ 50 लाख रुपए में। तो जाहिर सी बात है इस मूवी को हिट होने के लिए 22 करोड़ की ऊपर कमाई करने होंगे। लेकिन बात की जाए कलेक्शन की तो दोस्तों द घोस्ट मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1 करोड़ 70 लाख रुपए और आज मूवी ने तीसरे दिन पे टोटल जो नेट कलेक्शन किया है पूरे 2 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल जो नेट कलेक्शन हुई है पूरे 7 करोड़ 20 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हुई है पूरे 9 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की तो दोस्तों मूवी ने अपने इन 3 दिनों में टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कमाई की है पूरे 90 लाख रुपए। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने 3 दिनों में टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया है पूरे 9 करोड़ 50 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी ने 3 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 90 लाख रुपए। यानी किंग नागार्जुना सर की मूवी द घोस्ट ने अपने 3 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो किया है पूरे 10 करोड़ 40 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है द घोस्ट मूवी के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो कि हुई है पूरे 10 करोड़ 40 लाख रुपए। और इसके साथ दोस्तों आपको जानकारी देते चले इस मूवी को हिट होने के लिए अभी भी पूरे 12 करोड़ की कलेक्शन सही है। तो दोस्तों क्या लगता है आगे चल के ये मूवी हिट हो पाएगी या हो जाएगी, फ्लॉप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जरूर ये वीडियो लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।